हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी रोज़ रोज़ नाश्ते में इडली, डोसा और पराठे खा खा कर हो गए हैं परेशान? तो इसलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही कम समय में फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी, जो साथ में बहुत ही ढेर सारी सब्जियों से बना कर की रेडी करूंगी। ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन कर की रेडी होता है। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। ये नाश्ता कच्चे चावल और ढेर सारी सब्जियों को मिलाकर बनाए, तो चलिए फटाफट से बना कर की रेडी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 2 घंटे पहले 1 कप चावल और 1 चम्मच मेथी का दाना भिगा करके रख लिया था। तो यहाँ पे दोनों चीजें बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम लोग इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और मिक्सर ग्राइंडर में इसे ऐड कर देंगे। और अब हम लोग को इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना कर की रेडी करना है। तो ये अच्छी तरीके से एक स्मूथ बैटर बने, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और ढक्कन लगा करके एक इसका स्मूथ बैटर बना करके रेडी कर लें। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने बिल्कुल फाइन बैटर बना करके रेडी कर लिया है। अब इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके का रनी है, ये देख रहे हैं ना, बिल्कुल इस तरीके से बैटर बनाने के बाद से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो अब लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच तेल। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और तेल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम लोग इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे राई दाना, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सफ़ेद तिल। जब ये अच्छे तरीके से तेल में फ्राई हो जाए, तब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारी वेजेस। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है, तो पहले ऐड करेंगे थोड़े से बारीक कटी हुए प्याज। प्याज ऐड करने के बाद से थोड़ी देर हम लोग इसे अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, तब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे बारीक घिसा हुआ गाजर। गाजर के साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं थोड़े से बारीक कटे हुए सग्गा प्याज, जिसे हम लोग स्प्रिंग ओनियन कहते हैं। यहाँ पे आप अपने मन चाहे वेजेस ले सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी भी ऐड कर सकते हैं, बीन्स ऐड कर सकते हैं। जितने भी वेजेस आपको ऐड करना है इस नाश्ते को और हेल्दी बनाने के लिए, तो आप ऐड कर सकते हैं। सारी वेजेस डालने के बाद से 1 से 2 मिनट तक हम लोग इसे अच्छी तरीके से सॉटी कर लेंगे। सॉटी करने के बाद से अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। तो आप अपने तीखे के हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्च ले सकते हैं। उसके बाद से थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर ऐड करने के बाद से सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से हम लोग सॉटी कर लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद से यहाँ पे सारी सब्जियां अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो यहाँ पे जो हमने बैटर बना करके रखा हुआ था, अब इसमें अपनी फ्राई की हुई वेजेस इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, सच में ये नाश्ता ना बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन करके रेडी होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ढेर सारी सब्जियों के साथ बना रहे हैं इस नाश्ते को। तो जब भी आपके पास कम समय हो और आप सोच रहे हो कि कुछ हेल्दी और टेस्टी बनाया जाए, तो ये नाश्ता आप बना करके जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद से थोड़े से लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया के पत्ते। धनिया के पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसे डाल सकते हैं। अब सारी चीजों को अच्छे तरीके से हम लोग इसमें मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा बैटर बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, पर यहाँ पे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मोटी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। तो अब यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल अच्छा परफेक्ट बैटर बनकर की रेडी है, बिल्कुल रनी सा इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे हमारा बैटर बनकर की रेडी है, तो अब किस बात की देरी, अब गैस पे तवा चढ़ाएंगे। तवा जैसे ही गर्म हो जाए, अब चारों तरफ तेल लगा लेंगे तवे पे एक परत तक। तो 1 से 2 चम्मच तेल लगाने के बाद से अब हम लोग इसमें बैटर को गिरा देंगे। तो बैटर चारों तरफ तवे पे फैला लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बैटर को इवनली चारों तरफ फैला लिया है तवे पे। अब इसे ढक करके हम लोग तवे पे पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद से आप ऊपर से देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से पक चुका है। तो यहाँ पे हम लोग को इस नाश्ते को मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसकी साइड को चेंज कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे, तेल लगा लेंगे थोड़ा सा और दोनों साइड से क्रिस्पी करारी कर लेंगे। तो ये लीजिए, यहाँ पे हमारा नाश्ता बनकर की रेडी है। अब बस इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए कितना मजेदार सा हेल्दी नाश्ता बनकर की रेडी हुआ है। तो आप भी अपने घर में छोटे से लेके बड़े तक को ये हेल्दी नाश्ता बना करके खिला सकते हैं और
सबको ये नाश्ता बहुत ही पसंद आएगा। ये देख रहे हैं ना, आप चाहे तो इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं या फिर हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये नाश्ता कितना सॉफ्ट है, ये देखिए। और सच में किसी को यकीन नहीं होगा कि आपने इस नाश्ते को कच्चे चावल और ढेर सारी सब्जियों से बना करके रेडी किया है। तो चलिए आप इंस्पायर कीजिए, मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय बाय।